then if events are independent, right, then they are joint probability. इसको ए भी बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी वर्ड यूज करते हैं, याद रखें. कई जगह पे ये वर्ड आपको बार बार अपीयर होगा, देयर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मतलब दिस, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी वर्ड यूज करेंगे इसको. ठीक है, सो देयर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ the product of the individual probability. ठीक है, क्या होगा इन देयर इंडिविजुअल. तो इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग two events A and B will be equal to probability of A multiplied by probability of B. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मिटाई देते हैं, तो इन चीजों की जरूरत होता है. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं, राइट, कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का समझने के लिए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, बस दैट्स ऑल, राइट. एग्जाम्पल of independent event. A candidate is selected for an interview for three posts. ठीक है, कैंडिडेट जो है सेलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू फॉर थ्री पोस्ट. तीन पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट किया गया कि तीन पोस्ट के लिए तुम इंटरव्यू दे सकते हो, और उसके पास इंटरव्यू लेटर जाते हैं, राइट. For the first post, there are three candidates. Okay? For the second post, there are four candidates. Right? And for the third. Question here, what are the chances? Chances of his getting at least one person. Question बोल रहे हैं, एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तीन पोस्ट के लिए बुला रहे हैं, और जो फर्स्ट पोस्ट के लिए तीन कैंडिडेट को कॉल किया, समझ गए,
सेकंड पोस्ट जो है उसके लिए चार को बुलाया है और थर्ड पोस्ट के लिए दो कैंडिडेट को बुलाया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट किया था एक को, जो तीनों पोस्ट के लिए जो सिलेक्ट किया था, उसके क्या चांसेस हैं कि तीनों में से कोई तो एक मिल जाएगा उसको पोस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री पोस्ट विल गेट इट, राइट। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट की बात है, तो वो समझना। यदि मान लो कि ये बंदा तीन पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट सेकेंड पोस्ट और थर्ड पोस्ट, यदि इसके लिए वो अपीयर हो रहा है, इसके लिए अपीयर किया और यहां पे ये सेलेक्ट हो गया, करेक्ट, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि इस यहां सेलेक्ट हो गया तो यहां नहीं होएगा, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं दिया इसमें। अब समझ गए, यहां इसका सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पे हम सेकेंड या थर्ड पोस्ट के लिए सेलेक्ट उसको नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी कंडीशंस क्वेश्चंस में नहीं दिया गया, करेक्ट। तो हम तो ये मान के नहीं चलेंगे कि यदि ये इवेंट हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया फर्स्ट में, राइट, तो इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग हिज सिलेक्शंस ऑन द सेकेंड एंड थर्ड पोस्ट। इन अदर वे राउंड, यदि मान लो कि यहां पे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, राइट, तो वो भी इफेक्ट नहीं करता कि यहां भी नहीं होगा, करेक्ट, ऐसा भी नहीं होगा, या यहां पे होगा, या इसके साथ सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड के लिए ऐसा कुछ कंडीशन यहां पे दिया नहीं है, समझे। तो यहां का सिलेक्शन होना या नहीं होना, मतलब इवेंट के होने और नहीं होने का असर दूसरे तीन इवेंट्स को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दे विल बी ऑल थ्री इवेंट्स जो है, ये जब इवेंट ए है और ये इवेंट बी है और ये इवेंट यदि सी है, तो ये तीनों इवेंट जो है ए बी और सी, राइट, तीनों इवेंट को हम बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट, ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ठीक है, समझ गया, इसको बोलते हैं ये जो था वो एग्जाम्पल, हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ना जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें वो समझना, तभी जाके फॉर्मूला को आप प्लग इन कर पाओगे और यूज कर पाओगे। अदरवाइज जो हम लोग जो बना रहे थे ना कि पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट करो, करना तो यहाँ पर भी है, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ अभी हम लोग बना रहे थे कि सैंपल स्पेस क्रिएट करो, फिर इवेंट का उसमें से डिसाइड करो। दूसरी बार हमने सीखा कि यदि दो इवेंट होंगे या तीन इवेंट होंगे, आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करी, और उसके बाद हमने उसके कुछ थ्योरम्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, राइट, कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बाकी चीजें आपको मल्टीपल चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी उस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्विक कैसे करनी है, यही सब फॉर्मूला और बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मदद करते हैं फटाफट करने में। आपको कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को लाइन बाय लाइन यदि निकाल कर देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो यही सब अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो फटाफट काम आने वाली है।